इन दिनों देश में एप्पल आईफोन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी बातचीत को सरकार द्वारा हैक किया जा रहा है, और ये सब तब हुआ जब उन्होंने बताया कि उनके पास हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई और विपक्ष दलों ने सरकार पर उनके फोन हैक करने का आरोप लगाने लगे। आपको बता दें कि सिर्फ एक नेता ने नहीं बल्कि कई नेताओं ने सरकार पर ये आरोप लगाया है, और अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फोन में फेसबुक ट्विटर चलाकर चार्जिंग पर लगाया तो मेरा फोन बंद हो गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने इस मोबाइल फोन से बातचीत की, फेसबुक और ट्विटर चलाया, फिर इसमें 30-40% बैटरी बची थी। जब मैंने इसे चार्ज पर लगाकर छोड़ दिया और इसे चालू करने की कोशिश की तो यह ऑन नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पावर बैंक की मदद से इसे चार्ज करने की भी कोशिश की लेकिन यह ऑन नहीं हुआ। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्हें भी विपक्षी नेताओं की तरह कोई मैसेज आया है तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन यह फोन बंद है और कुछ तो मामला है। आपको बता दें कि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने आरोप लगाए हैं कि सरकार उनके फोन को हैक करवा रही है, और ये आरोप उस अलर्ट के आधार पर लगाया जा रहा है जो खुद एप्पल ने भेजा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा और सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं और सांसदों ने उनके आईफोन हैक किए जाने का दावा किया है। इन नेताओं ने दावा किया है कि खुद एप्पल ने मैसेज भेजकर हैकिंग की कोशिश की जानकारी उनके साथ शेयर की है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सफाई भी सामने आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार पर लगाए जा रहे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। इन नेताओं को एप्पल से सफाई मांगनी चाहिए कि यह किस तरह का मैसेज है, और कंपनी के जवाब से असंतुष्ट होने पर FIR दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। एप्पल के पास इस बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। कंपनी ने अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। वह खुद क्लेम करता है कि कोई उनका फोन हैक नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।